दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया जिससे आप पर डे के अपने घर बैठे 1000 से 2000 रुपए कमा सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1000-2000 रुपए से भी अपना बिजनेस स्टार्टअप करना, तो आप मात्र 1000 से 2000 रुपए से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बिजनेस ऐसा कौन सा बिजनेस होने वाला है जिसको मात्र आप 1000 से 2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और पर डे का 1000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आप पर डे का 1000 रुपए तक भी अर्न कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता है, जो आपने देखा होगा कि बाजार में जो एलईडी बल्ब बेचते हैं, जो गारंटी वाला होता है, एक नॉन गारंटी वाला होता है। जो नॉन गारंटी वाला प्रोडक्ट होता है वो आपको मिल जाता है 9 से 10 रुपए की रेंज में। अगर जो गारंटी वाला प्रोडक्ट है अगर उसकी बात करते हैं तो वो आपको मिलेगा मात्र और मात्र 33 रुपए में, आपको गारंटी वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा प्रोसेस चल रहा है इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो यहाँ गारंटी वाला एलईडी बल्ब होता है, इस बल्ब को कैसे बनाया जाएगा और इसके साथ आपको क्या क्या मटेरियल मिलता है और कितनी देर में आप एक प्रोडक्ट को रेडी कर सकते हैं जो आपको देगा 25 से 30% पे होलसेल का मार्जिन, और अगर रिटेल की बात करें तो डबल प्रॉफिट देगा भाई। और अगर हम भाई बात करते हैं नॉन गारंटी प्रोडक्ट की, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पे भारी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो मात्र ये आपको मिलेगा 8 से 9 रुपए की रेंज में। अगर आप बाजार में इसको बेच देते हैं तो मात्र 2 बल्ब या 3 बल्ब ही 100 के दिए जाते हैं और एक पैकेट के अंदर आपको 10 बल्ब मिल जाते हैं। अगर आपने मात्र 10 पीस का पैकेट का एक बंडल बेच लिया तो आपने आसानी से, क्योंकि एक पीस पे आप 15 से 20 रुपए का मार्जिन ले सकते हैं, तो 10 पीस बेचने पे आप 150 से 200 रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर आपने पर डे के 10 पैकेट बेच लिए तो आप आसानी से 1000 से 1500 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे रेडी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वहीं पे गारंटी वाला जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर लगने वाली हाउसिंग कुछ इस तरीके की होती है, जिसको बोलते हैं हाई बीम हाउसिंग। ये देखेंगे काफी बड़े साइज की ये बॉडी हो जाती है। अब इसको मैं बनाने का पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, मात्र 1 मिनट के अंदर आप बल्ब बनाना सीख सकते हैं। तो ये जो हमारा ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर को यहाँ पे पीसीबी के साथ कनेक्ट कर लेंगे, इस वाली पीसीबी के साथ। ये जो हमारी पीसीबी होती है इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, प्लस वाली वायर को रेड से और माइनस वाली वायर को अपना ब्लैक से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद ये आप देखेंगे सोल्डरिंग कर दी गई, और सोल्डरिंग करने के बाद बड़े इजी स्टेप्स के साथ आपको हाउसिंग के अंदर इसको इंसर्ट कर देना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इतना इजी स्टेप है, इतना सिंपल स्टेप है कि यहाँ पे हमें B22 कैप को इस पे लगा देना है, और कैप को लगाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को काट देना और टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से हमें जो हमारी पीसीबी थी उसको थोड़ा सा अंदर इंसर्ट कर देंगे। उससे क्या है कि जो हमारी ये पीसीबी होती है ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आरटीयू बॉन्ड लगा। अब यहाँ पे जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है उसकी मदद से यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया गया, और प्रेस करने के बाद जो हमारी हाउसिंग के अंदर जो हमारी डीओबी थी वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट हो चुकी है। क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर होता है, जब ये दोनों का आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा तो ही जो हमारी डीओबी की हीटिंग है वो यहाँ पे बल्ब के अंदर चली जाएगी, और ट्रांसफर होने से क्या है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हीटिंग अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो आपकी जो बल्ब की क्वालिटी वो ख़राब हो जाएगी, और वो बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे गम लगा देनी। अब ये जो गम होती है इससे क्या होता है कि जो हमारा ये डिफ्यूज़र होता है, ये डिफ्यूज़र इसके साथ पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, और जो हमारी हीटिंग है जब दो मेटल आपस में कनेक्ट होते हैं तो थोड़ी बहुत जो गैप रह जाता है वो इससे फुलफिल हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा बल्ब बनके मोस्टली तैयार है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से हमारी कैप पंचिंग मशीन की मदद से यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया है, और बल्ब यहाँ पे लॉक होने के बाद कुछ हमारा इस तरीके का दिखता है। अब इसको हम ग्लो करके भी आपको दिखाएंगे कैसी इसकी ब्राइटनेस होने वाली है। अब इसके बाद हम इसको लाइट पे लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके की, देखेंगे बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, इतनी हैवी ब्राइटनेस मिल जाती है, आप देख पाएंगे बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ ये प्रोडक्ट अब हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा एक बल्ब को बनाने में मात्र 2 से 3 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, और आप एक बल्ब बनाने पे 10 से 15 रुपए का मार्जिन कमाने लायक हो जाते हैं। 2 मिनट के अंदर आपने 15 रुपए का प्रोडक्ट जिसपे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट आपने रेडी कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस आइडिया कैसा बिजनेस आइडिया होने वाला है। अगर आपको लगता है कि सच में रियल में इतना प्रॉफिट नहीं है तो आप बाजार में जाके एनालाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको गारंटी के साथ। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी अपनी तरफ से उसको कवर करेगी, आपको चेंज करके देगी। तो फटाफट स्क्रीन के दो नंबर पर हमें कॉल करें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए और कमाने के लिए अच्छा खासा मोटा मुनाफा। तो वंस अगेन थैंक यू, फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक और नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।